एक गांव में हमारा हीरो अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके पिताजी एक छोटे मोटे व्यापारी थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। हमारा हीरो वहीं के पास के एक स्कूल में पढ़ता था, जहाँ मीना भी पढ़ती थी। दोनों में घना प्रेम था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे इन दोनों का प्यार और गहरा होता गया। मीना के दो भाई थे, एक था राजीव तो दूसरा संजीव। एक दिन छोटका मीना के दोनों भाई से मिलने आया। क्या आप दोनों को नहीं पता, वो खान का बच्चा मीना के पीछे हाथ धो के पड़ा है। तुमको पता तो है ना तुम क्या बोल रहे हो। अगर ये बातें झूठी निकली तो तेरे ये दोनों हाथ पांव सलामत नहीं रहेंगे, समझ गए बरखुरदार। दोनों भाइयों ने उसे मिलकर खूब मारा और पीटा और बोले, आइंदा मेरी बहन के आसपास भी दिखाना तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझा ना। हमारा हीरो भी कहां मानने वाला था, वो उस छमिया से सच्चा प्यार जो करता था। फिर एक दिन अचानक हमारे हीरो के पिताजी बहुत बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। दोनों माँ बेटे बहुत दुखी थे। तभी उनसे मिलने वहाँ मीना आई। कैसे हो तुम, मैंने तुम्हारे पिताजी के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ सुन के। तभी अचानक मीना के दोनों भाई वहाँ आ पहुँचे। तुझे भैया ने एक बार समझाया, तुझे समझ नहीं आया, अगली बार इससे मिलने आई ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, चल। उसके भैया उसे जबरदस्ती वहाँ से पकड़ के ले गए। मीना के भाइयों ने इन सबसे पीछा छुड़ाने के लिए उसे शहर भेज दिया। इस बात से हमारा हीरो बहुत परेशान था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मीना कहाँ है। तभी उसके पास छोटका आया और बोला, दोस्त मुझे तेरा ये दुख सहा नहीं जा रहा, मुझे पता है मीना कहाँ है। कहाँ है, कहाँ है मीना, जल्दी बोल, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। तुझसे पीछा छुड़ाने को उसके भाइयों ने उसे मुंबई अपने चाचा के पास भेज दिया है। मुंबई, हमारा हीरो पूरा मन बना लेता है मुंबई जाने का और अपनी माँ से इजाजत लेकर मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। हमारा हीरो मुंबई पहुँचा और बोला, अरे यार कितना बड़ा शहर है, आखिर इतने बड़े शहर में मैं अपनी मीना को कैसे ढूंढूंगा। हमारा हीरो कुछ दिन तक लगातार मीना को ढूंढता रहा। हर गली बहुत सारी सोसाइटियों में देख लिया उसने, फिर भी हमारे हीरो को मीना कहीं नहीं मिली। घर से जो पैसे लाए थे वो भी खत्म हो गए। इन सब से वो और परेशान हो गया और समंदर किनारे जाकर बैठ गया। पास में ही एक सीरियल का डायरेक्टर बैठा था, जिसे नए चेहरे की तलाश थी अपने नए सीरियल के कास्ट के लिए। उन्होंने उसे दुखी देखकर उसे बोला, आखिर तुम इतने उदास क्यों हो, ये सपनों की नगरी मुंबई है, यहाँ हर किसी के सपने पूरे होते हैं। मैं यहाँ अपने सपने पूरे करने नहीं, अपने प्यार को ढूंढने आया हूँ। उसने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। सुनने के बाद उन्होंने बोला, मैं एक सीरियल का डायरेक्टर हूँ, तुम देखने में तो ठीक ठाक ही हो, मेरे सीरियल में एक कैरेक्टर का रोल खाली है, क्या तुम वो रोल करना चाहोगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर मेरी थोड़ी एक्टिंग वीक है। दोनों की बात पक्की हो जाती है। लोगों को सीरियल में हमारे हीरो की एक्टिंग खूब पसंद आई, लोगों का भरपूर प्यार मिला हमारे हीरो। एक दिन फिल्मों के निर्माता ने टीवी पर हमारे हीरो की एक्टिंग देखी, उनको हमारे हीरो की एक्टिंग खूब पसंद आई। उन्होंने हमारे हीरो को एक फिल्म ऑफर की। हमारा हीरो फिर भी अंदर से उदास था, क्योंकि अभी तक उसे मीना का पता नहीं चला। शूटिंग का फर्स्ट डे था। है कोई और माई का लाल जो मुझसे टकरा सके। शूटिंग खत्म करके हमारा हीरो जैसे ही पीछे मुड़ता है, शूटिंग देखने वालों के भीड़ में एक मीना भी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं, मगर दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश भी थे। प्रोड्यूसर ने उन दोनों की शादी करा दी और रहने को एक नया घर भी दे दिया। मगर मीना के दोनों भाई शादी के अभी भी खिलाफ थे। उनको भी कहां पता था कि आज का नौजवान कल का सुपरस्टार बनेगा। वो जो फिल्म बन रही थी वह सुपर डुपर हिट हो गई और उस फिल्म की कामयाबी ने रातों रात उसे एक सुपरस्टार बना दिया। सच ही कहते हैं, किस्मत कब कहां और क्या दे दे ये किसी को पता नहीं, ये सब किस्मत का खेल है। यह कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है, जिसे हमने एक स्टोरी का रूप दिया है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।